नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सोमेक नंदी, आपका दोस्त। और आप हैं भ्रमण बाज चैनल में। ये भ्रमण बाज जो चैनल का नाम है, ये नाम चेंज होके हॉर्नेट मैन रखा जाएगा जुलाई का 14 तारीख से। और इंस्टाग्राम में अभी तक भ्रमण बाज अंडरस्कोर सोमेक यही नाम रहेगा, और फेसबुक में भी जो भी है यही रहेगा। सिर्फ यूट्यूब का जो नाम है वो नाम चेंज होगा, और धीरे धीरे बाद में बाकी सबका नाम चेंज करूंगा। तो आज का जो टॉपिक है राइडिंग के बारे में है। अगर आप फास्ट लॉन्ग राइड कर रहे हो तो ये आज का जो वीडियो है ये आपके लिए ही है। लॉन्ग राइड के लिए मैंने 12 पॉइंट बनाया, और ये 12 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको गाड़ी चलाना है अगर आप फास्ट लॉन्ग राइड कर रहे हो तो। अगर जो पहले से लॉन्ग राइड कर रहे हैं उसका तो एक्सपीरियंस है ही, उसको मैं कुछ बताना नहीं चाहूँगा, वो मुझसे बेहतर जानता है। पर जो पहली बार लॉन्ग राइड कर रहा है, ये वीडियो सिर्फ उसी के लिए है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को दबा दीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो आते हैं सीधे मुद्दे पे। पहला जो पॉइंट है, चूज अ कंफर्टेबल बाइक। अगर आपका बाइक कंफर्टेबल नहीं है तो आप लॉन्ग राइड नहीं कर पाओगे। तो लॉन्ग राइड के लिए आप ऐसा बाइक चूज कीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो। तो दूसरा पॉइंट है, नो योर रूट। किसी भी जगह पे जाने के लिए आपको एक रूट मैप बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको जीपीएस का सहारा लेना पड़ेगा। ये जीपीएस मैप ऐसा है, ये जीपीएस मैप सभी जगह नेटवर्क काम नहीं करता, तो जीपीएस मैप भी शायद काम नहीं करेगा। तो उस टाइम डोंट फील शाई ऑफ आस्किंग लोकल्स फॉर डिरेक्शन। मेरा साथ भी ऐसा हुआ, चांदीपुर, मेरा जो चांदीपुर राइड में और टाकी का राइड में और कालिंपोंग का जो राइड था उसमें जीपीएस हमें धोखा दिया। तो वहाँ पे बेहतर होगा कि आप लोकल लोगों से ही डिरेक्शन पूछे। आपके लिए जो तीसरा पॉइंट मैंने रखा वो है राइडिंग गियर। राइडिंग गियर में जो पहला चीज आता है वो है फुल फेस हेलमेट। हाफ फेस हेलमेट नहीं चलेगा, और चाहिए राइडिंग जैकेट और राइडिंग पैंट। अगर आपके पास राइडिंग जैकेट नहीं हो तो एल्बो गार्ड और नी गार्ड रखिए। और एक चीज चाहिए, वो है राइडिंग शू। अगर आपके पास राइडिंग शू नहीं है तो कम से कम एंकल कवर कोई बूट पहने। चौथा पॉइंट जो आपके लिए रखूंगा वो है लाइट पैकिंग। लॉन्ग राइड पे जरूरी जो सामान है वो तो कैरी करना पड़ेगा ही। कौन कौन आपका जरूरी चीज है ये पहले समझिए, एक लिस्ट बनाइए पहले। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर आपको बता रहा हूँ, तो पहले एक मेडिसिन का लिस्ट बनाइए, कौन कौन सा मेडिसिन चाहिए, जैसे सरदर्द का, वोमिटिंग का, पेट खराब का, ऐसा कुछ मेडिसिन आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद और कुछ जरूरी सामान आता है, वो है छोटा साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश, ऐसा छोटा छोटा चीज़ ये आप कैरी कीजिए। और इसके बाद आता है क्लोथिंग। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कुछ लोग जो है लॉन्ग राइड पे ज़्यादा कपड़ा लेता है, ये मत कीजिए। एक हफ्ता के लिए 3 कपड़े रखिए, तो उसके हिसाब से लॉन्ग राइड पे आप चलिए। क्लोथ को आप फोल्ड करके ना रखें, इसको आप रोल करके रखिए, ये कम स्पेस लेता है। पांचवा जो पॉइंट है वो है स्टे हाइड्रेटेड। लॉन्ग राइड पे ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप हाइड्रेटेड नहीं रहोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो। तो इसके लिए लॉन्ग राइड पे मिनिमम आपके लिए 2 लीटर पानी जरूरी है। सिक्स जो पॉइंट मैंने रखा वो है स्टार्ट राइट रेस्ट रिपीट। लॉन्ग राइड में अगर आप जा रहे हो तो आपके लिए ब्रेक जरूरी है। तो राइडिंग स्टार्ट करने के बाद जब आप ब्रेक लेंगे तो शॉर्ट ब्रेक आपका 15 मिनट होना चाहिए, और लॉन्ग ब्रेक आपसे आपका 45 से 1 घंटा होना चाहिए। तो आप जर्नी स्टार्ट किया, उसके बाद राइड किया, राइड के बाद रेस्ट किया, वही फिर से रिपीट कीजिए बार बार। हर ब्रेक में आपको आपका टायर चेक करना पड़ेगा। सातवां जो पॉइंट है, स्टार्ट ऑन ए लाइट स्टोमैक। राइड शुरू होने से पहले आप जो ब्रेकफास्ट करोगे वो लाइट होना चाहिए, और लंच आप 12 से 1 बजे के बीच ही कर लेना, और लंच पे कभी भी ओवर ईट मत करना। अगर राइड के दौरान आपको ज्यादा भूख लग रहा है तो आप एनर्जी बार और चॉकलेट रखिए। आठवां जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये है स्टे मोटिवेटेड। अगर आप मोटिवेटेड नहीं रहोगे तो लॉन्ग राइड आप कभी भी पूरा नहीं कर पाओगे, इसीलिए आपको मोटिवेटेड रहना जरूरी है। राइडिंग एक ऐसा चीज है, अगर यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट
देयर्स नो एंडिंग। और एक चीज, लॉन्ग राइड पे निकलते वक्त मन का जो डर है, ये डर पूरा खत्म करना, क्योंकि डर और दुविधा ये कोई काम का चीज नहीं है। लॉन्ग राइड पे पहली बार छोटी मोटी गलती होगी, उस गलती से सीखिए और आगे बढ़ते जाइए। मेरा जो 9th पॉइंट है, बी प्रिपेयर फॉर एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। एक लॉन्ग राइड पे जाते वक्त आपके साथ कुछ भी हो सकता है, समझ लीजिए कुछ भी हो सकता है, तो उस वक्त आप क्या करोगे? हो सकता है आपका टायर पंचर हो सकता है आपका कोई एक्सीडेंट हो सकता है आपका जो हेल्थ है, हेल्थ वाइज आप सिक फील कर रहे हो, तो कुछ भी हो सकता है। इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। हो सकता है कभी भी बारिश आ सकता है, तो इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और कभी भी रिस्क मत लेना, मन को शांत रखना। रास्ते में चलते वक्त कोई अननेसेसरी झमेले में मत पड़िए। अगर आप किसी सिचुएशन में पड़ गए तो उस सिचुएशन को आप एनालाइज कीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए, कहीं जल्दबाजी मत कीजिए। मेरा 10वां जो पॉइंट है वो है स्पेयर पार्ट्स एंड टूल्स। लॉन्ग राइड पे अगर आप जा रहे हो तो आपको जानना चाहिए आपके पास क्या टूल्स और स्पेयर पार्ट्स रहना चाहिए। लॉन्ग राइड पे आपको ट्यूबलेस टायर चाहिए। ट्यूबलेस टायर लॉन्ग राइड को और भी आसान कर देता है। और आपके पास छोटा मोटा और दो तीन चीज रहना चाहिए, और वो है पंक्चर किट, ब्रेक केबल, क्लच केबल, स्पार्क प्लग्स। मेरा जो 11th पॉइंट है वो है प्रैक्टिस मोर शॉर्ट राइड। तो किसी भी लॉन्ग राइड जाने से पहले आपको शॉर्ट राइड प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहले आप 100 किलोमीटर जाइए, जाके आ जाइए, फिर 200 किलोमीटर जाइए, फिर 400 किलोमीटर जाइए। ऐसे करके आपको राइडिंग स्किल बढ़ाना पड़ेगा। इस छोटे छोटे राइड पे आप छोटी मोटी गलतियां करोगे तो इस गलतियां से आप सीखोगे, और ये जो सीखोगे आप इसे लॉन्ग राइड पे आप यूज करना। मेरा जो लास्ट जो पॉइंट है वो लेडीज लोगों के लिए है, तो वो है हेयर हर्डल। तो क्या होता है, अगर आपके बाल लंबा हो, गाड़ी चलाने के वक्त हेलमेट से हवा घुसता है, हवा घुसने से क्या होता है, बाल मुंह में आता है, इसमें क्या होता है, कंसेंट्रेशन ब्रेक होता है। तो क्या कीजिए, इसके लिए आप बफ यूज कीजिए। इसके दो फायदे हैं, एक तो हेलमेट क्लीन रहेगा और दूसरा ये जो बाल फेस में नहीं आ गया, फेस में आके नहीं टच करेगा। और भी कुछ छोटा मोटा चीज है, जैसे राइडिंग करते वक्त आप सनग्लास जरूर यूज कीजिए। अननोन जगह पे मेन रोड छोड़ के किसी भी शॉर्टकट मत लेना, मेन रोड पे ही रहना। मैंने जो ये वीडियो बनाया, ये ज्ञान देने के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया, मैंने ये वीडियो बनाया ताकि जो पहले राइड कर रहे हो उसके कुछ हेल्प हो सके। आज का वीडियो यही खत्म कर रहा हूँ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।